नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9 Lite 5G versus Vivo Y28s 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 185 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 84.01% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 Lite में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y28s की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 Lite में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y28s की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali G57 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9 Lite में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo Y28s में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 Lite में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Vivo Y28s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Z9 Lite 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y28s 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें
वीवो Y200E 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y58 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।